नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करण जी के यहाँ पर आपका स्वागत है। और आज हम करण जीके में 12 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करण जीके करेंगे। और हमारी इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना संन्यास तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। भाई भारत का एक क्रिकेट खिलाड़ी था जिसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब वो दोबारा से क्रिकेट में लौटना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना चाहता है, और इसीलिए उसने अपना जो संन्यास है उसको तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। भाई तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो वापिस से क्रिकेट की दुनिया में आना चाहता है, तो उसका नाम है युवराज सिंह। आप सभी इसको जानते ही होंगे। युवराज सिंह भाई भारतीय क्रिकेट का एक बहुत ही प्रसिद्ध सितारा था, जिसने भाई भारत को 2011 का वर्ल्ड कप है, 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई। और आईपीएल में भी एक बार ये सबसे महंगा खिलाड़ी बना था युवराज सिंह भाई, जिसको यूवी और सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। भाई अब जिक्र आया युवराज सिंह का, तो युवराज सिंह है, इन्होंने संन्यास लेने से पहले भारत के लिए 304 वनडे मैच 40 टेस्ट मैच और 58 है वो T20 मैच खेले थे भाई। वनडे मैच कितने खेले थे 304, टेस्ट मैच कितने खेले थे 40, T20 मैच कितने खेले थे भाई 58। ठीक है भाई, किस खिलाड़ी ने दोबारा वापस लौटने की इच्छा जताई है भाई, युवराज सिंह, उपनाम क्या है यूवी और सिक्सर किंग भाई। और युवराज सिंह है, इनकी जो बायोग्राफी भाई, एक बार इनको कैंसर की बीमारी हो गई थी और ये अपना इलाज कराकर है उन्होंने इस कैंसर को मात दे दी थी भाई। उसके बाद अपने कैंसर की बीमारी के दौरान इसको किस किस संघर्ष का अनुभव हुआ था उसके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है भाई। और युवराज सिंह को 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था भाई, 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। T20 में छः गेंदों में छः छक्के मारने का भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया भाई, और सबसे तेज अर्धशतक 12 गेंदों में सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड भी युवराज सिंह ने बनाया भाई। और जो चिट्ठी है वो किसको लिखी है, बीसीसीआई को, जो बीसीसीआई है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। जो बीसीसीआई इसकी स्थापना हुई थी 1928 में भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है भाई। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए, किस बैंक के द्वारा जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की है। किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की है। जो किसान जैविक कपास उत्पादन करते हैं और जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया उनको है सफल नामक एक ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की है भाई, जो बहुत ही सस्ता लोन है। और ये जो घोषणा है किस बैंक के द्वारा की गई, SBI बैंक के द्वारा भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है भाई। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 को हुई थी भाई। 1955 को SBI बैंक की स्थापना हुई थी। इसका जो शुरुआत में नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भाई। और वर्तमान में जो SBI ग्रुप के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा हैं वर्तमान में SBI बैंक के चेयरमैन है भाई। इसके अलावा भी SBI बैंक ने एक योजना और शुरू करी थी जिसका नाम था तनाव फंड भाई,
जो तनाव फंड है ये SBI बैंक ने और महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया था भाई। SBI बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया था तनाव फंड के नाम से भाई। महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई, मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके पुनर्निवास के लिए SBI बैंक ने और महाराष्ट्र ने तनाव फंड के नाम से एक समझौता किया था भाई। और किसानों के लिए जो HDFC बैंक है, किसानों के लिए जो HDFC बैंक है, इसने भी एक योजना शुरू की है भाई, जिसका नाम है ई किसान धन संपदा योजना भाई। ई किसान धन संपदा योजना है, यह भी किसने शुरू करी है? HDFC ने भाई। अभी लेटेस्ट कौन सा योजना है? सफल ऋण योजना किसने शुरू करी? ये शुरू करी SBI ने। तनाव फंड किन दो स्थानों के बीच में वो है भाई? संस्थानों के बीच में महाराष्ट्र सरकार और SBI बैंक के बीच में समझौता हुआ है तनाव फंड के लिए, जो मुंबई में झुग्गी झोपड़ियाँ उनके पुनः निर्वास के लिए भाई। उसके बाद है एक बैंक और है, यस बैंक भाई। यस बैंक ने एक नया किसानों के लिए एक और योजना शुरू की थी, जिसका नाम था लोन इन सेकंड भाई। मतलब एक सेकंड में लोन है किसानों के लिए, सुविधा को शुरू किया था। किस बैंक ने किया था? यस बैंक ने भाई। यस बैंक वही है जो कुछ दिन पहले कंगाल होने के कगार पे आ गया था भाई, यस बैंक। यस बैंक ने कौन सी योजना शुरू की? लोन इन सेकंड भाई। किसके लिए शुरू की? किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस पड़ोसी देश ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया भाई? भारत के किस पड़ोसी देश ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। इसका आंसर हो गया भाई बांग्लादेश भाई। भारत का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या वो ज़्यादा है भाई, और इसलिए वहाँ पर जो गौ हत्या वो बहुत ज़्यादा होती थी। अब वहाँ की सरकार ने गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पास किया भाई। अब वहाँ पर कोई गौ हत्या करेगा तो उसको जेल हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा भाई। किस देश के द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है भाई? अब्दुल हमीद वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं भाई। अब बांग्लादेश से और क्वेश्चन अगर पूछ लें, प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन भाई? अब्दुल हमीद भाई। बांग्लादेश की जो संसद है, संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है भाई? जातीय संसद। अभी SSC CGL का पेपर हुआ था कोरोना से पहले, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था बांग्लादेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें भाई। तो जो भारत के पड़ोसी देश है वहाँ कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं भाई। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद भाई। और जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यहाँ पर एक संगठन का हेडक्वार्टर है भाई। किसका? बिम्सटेक है। बिम्सटेक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? ढाका में। बिम्सटेक में कितने सदस्य हैं भाई? 7। कितने सदस्य हैं? 7। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। राजधानी कौन सी है? ढाका भाई। अगर बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछ लें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई? कबड्डी। कौन सा है? कबड्डी। वैसे तो सबसे लोकप्रिय यहाँ पर क्रिकेट है भाई, लेकिन राष्ट्रीय खेल का दर्जा वो किसे दिया गया है? कबड्डी को दिया गया है भाई। उसके अलावा भी बांग्लादेश में करंट सिक्के से संबंधित कुछ क्वेश्चन है भाई। अगर ये पूछ लें, बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी, बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में बल्लेबाजी कोच है वो किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है भाई? बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी है, इसका बल्लेबाजी कोच किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? वसीम जाफर है। मुंबई के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे वसीम जाफर भाई। टेस्ट क्रिकेट का एक माना हुआ नाम था। उनको बांग्लादेश की क्रिकेट अकेडमी का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया भाई। उसके बाद है बांग्लादेश का एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था मुजीबुर रहमान।
मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान के ऊपर भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं भाई। मुजीबुर रहमान के ऊपर भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लें इस फिल्म का निर्माता कौन है, इस फिल्म का निर्माता कौन है भाई, श्याम बेनेगल। इस फिल्म का निर्माता कौन है, श्याम बेनेगल। और भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के मध्य दो युद्ध अभ्यास होते हैं भाई, कौन कौन सा? एक का तो नाम है संप्रति, एक का तो नाम है संप्रति भाई, और दूसरा है मैनमाता या मीनमाता भाई, मीनमाता या मैनमाता। और संप्रति युद्ध अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है भाई। और बांग्लादेश ने दो दिन पहले एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है असोल चिन्नी, या इंग्लिश में पूछ ले तो रियल शुगर या असोल चिन्नी के नाम से एक अभियान शुरू किया भाई। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी फेक न्यूज़ डालता है तो उसके प्रति कार्रवाई करने के लिए बांग्लादेश ने असोल चिन्नी नामक एक अभियान शुरू किया भाई। यह था हमारा क्वेश्चन कि कौन सा पड़ोसी देश गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना अभी भारत का पड़ोसी देश, तो आंसर होगा इसका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर होगा भाई प्रवीण महाजन को ऑल इंडिया टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, प्रवीण महाजन को। अगर ये पूछ लें, ये तो हो गया ऑल इंडिया का, अगर ये पूछ लें राष्ट्रीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई, अनिल जैन, हरियाणा से रिलेटेड है ये अनिल जैन, बीजेपी पार्टी के नेता, इनको राष्ट्रीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई अनिल जैन को। जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, प्रवीण महाजन को भाई। एक नाम और आप याद रखना, मनिक बत्रा भाई, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से भाई। अगर ये पूछ लें ओपमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। ओपमन कप वो किस खेल से संबंधित है भाई, टेनिस से। डेविस कप भी किससे संबंधित है, टेनिस से। डेविस कप भी किससे संबंधित है भाई, डेविस से। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, एक तो राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष और एक है एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई, प्रवीण महाजन और अनिल जैन। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो वर्चुअल उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य से किया गया भाई, तो इसका आंसर होगा बिहार, क्योंकि बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं भाई, और सभी पार्टियों ने वहाँ पे डेरा डाल रखा है। इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो गया भाई, वहाँ पर एक वर्चुअल रैली का संबोधन किया और यहाँ पर एक नई योजना का शुभारंभ किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये पूरे भारत की केंद्रीय योजना भी कहीं है, समझ जाओ बिहार राज्य की है, ये पूरे भारत की केंद्रीय योजना है। और किस राज्य से शुरू करी, बिहार से। कितनी तारीख को लॉन्च हुई, 10 सितंबर 2020 को। कितनी तारीख को लॉन्च हुई भाई, 10 सितंबर 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया भाई। और इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो जारी किया है, 20,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया भाई। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है 2024-25 तक करीब
70 लाख टन मछली का उत्पादन करना है भाई। 2024-25 तक करीब 70 लाख टन मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना है भाई। अब जिक्र आया बिहार का, तो जो बिहार है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के राज्यपाल कौन है? फग्गू चौहान। यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं तो पूछ सकते हैं विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 248। विधानसभा की कितनी सीट है भाई, 248। लोकसभा की कितनी सीट है, 40। लोकसभा की कितनी सीट है, 40। और राज्यसभा की कितनी सीट है, 16। 248 विधानसभा की, लोकसभा की कितनी, 40, और राज्यसभा की कितनी भाई, 16। अब बिहार से करंट जीके के कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आपके सामने आते हैं, एक बार उनको देखो भाई। अभी जी ट्वेंटी का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था भाई सऊदी अरब में। सऊदी अरब के द्वारा G20 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, तो वहाँ पर एक बिहार की एक योजना है उसको सबके सामने पेश किया गया था भाई। तो बिहार की किस योजना को G20 शिखर सम्मेलन में पेश किया गया, तो इसका आंसर होगा हर घर नल का जल योजना है, इसको G20 शिखर सम्मेलन में दर्शाया गया था भाई। हर घर नल का जल, मतलब प्रत्येक घर में स्वच्छ नल का जल है वो पहुंचना चाहिए, और बिहार ने इस योजना को बिल्कुल अच्छे तरीके से लागू किया भाई, इसलिए चर्चा में रही थी, इसलिए G20 में इसको उठाया गया भाई। उसके बाद ये पूछ लें, सुशांत राजपूत की याद में उत्तर और पूर्व भारत की पहली फिल्म सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो कहाँ पर स्थापित की जाएगी भाई, भागलपुर भाई, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है भागलपुर, वहीं पर उत्तर और पूर्व भारत की पहली फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी भी भागलपुर में। अगर ये पूछ लें भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है ये कहाँ पे खोला जा रहा है, ये भी आपका खोला जा रहा है भाई भागलपुर में। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पे, भागलपुर में। अगर ये पूछ लें भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये महाराष्ट्र का नासिक से लेकर बिहार के दानापुर तक चली थी भाई। पहली किसान रेल नासिक से लेकर दानापुर तक चली थी। उसके बाद अगर ये पूछ लें ग्रीन बजट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, बिहार। ग्रीन बजट जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना वो कौन सा बना भाई, बिहार। एक क्वेश्चन और याद करना, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित या गंदा शहर चुना गया है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में भारत के किस शहर को सबसे ज़्यादा प्रदूषित या गंदा शहर चुना गया है, तो किस शहर को भाई, गया। और भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खुलेगा, ये भी आपका पटना बिहार में खुलेगा भाई, पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो भी आपका कहाँ पे खुलेगा, बिहार में। कहाँ पर खुलेगा भाई, बिहार में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, मत्स्य संपदा योजना है वो किस राज्य से शुरू की गई है, बिहार से, कितनी तारीख को, 10 सितंबर को भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ क्वाड मीट और टू प्लस टू बातचीत करने की घोषणा की है, भारत सरकार ने किस देश के साथ क्वाड मीट और 2+2 बातचीत करने की घोषणा की है। भारत ने इच्छा जताई है कि भाई मैं इन देशों के साथ क्वाड मीट और 2+2 बातचीत करना चाहता हूं भाई। तो क्वाड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, नाटो की तरफ पर 4 देश मिलकर एक क्वाड नामक संगठन को अपने असली स्वरूप में लेकर आ रहे हैं भाई। 2007 में चर्चा में आया था, 2011 के बाद इसके ऊपर विस्तार रूप से चर्चा होने लगी थी,
और जब से नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने भाई, ये पूरी तरह से स्वरूप में आ गया भाई, क्वाड संगठन भाई। इसके अंदर चार देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भाई। अब भारत ने किस देश के साथ क्वाड मीट और 2+2 बातचीत करने की घोषणा की है भाई? तो जितने चार देश हैं, चारों देशों के साथ, एक तो भारत हो गया, तीन जो अन्य देश हैं कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड मीट और 2+2 बातचीत करने का फैसला लिया भाई, क्योंकि जो चीन है, चीन की अवसरवादी नीति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है भाई। लगभग हर देश के साथ उसका मनमुटाव चल रहा है, भारत के साथ तो बहुत ज़्यादा तनातने चल रही है भाई। इसलिए चारों देश मिलकर चीन को घेरना चाहते हैं भाई। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भाई। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन भाई, स्कॉट मॉरिसन। इस मीटिंग में जो शामिल होंगे वो प्रधानमंत्रियों के बीच में आपस में होगी। वो ऑस्ट्रेलिया के कौन है? स्कॉट मॉरिसन भाई। अमेरिका के कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के कौन है? डोनाल्ड ट्रंप भाई। जापान के कौन है? फिलहाल कोई भी नहीं है, जो शिंजो अंबे थे वहाँ के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 14 सितंबर के बाद ही वहाँ का जो अगला प्रधानमंत्री उसको चुना जाएगा भाई। क्वाड मीट में तो हिस्सा कौन लेंगे? सभी देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिसके हाथ में पावर होती है भाई। 2+2 में हिस्सा कौन लेगा? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। 2+2 बातचीत में हिस्सा कौन लेगा? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाई। इंडिया की तरफ से हिस्सा कौन लेंगे? नरेंद्र मोदी लेंगे क्वाड मीट में, और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो अपने राजनाथ सिंह है वो 2+2 बातचीत में हिस्सा लेंगे भाई। अब चारों देशों के प्रधानमंत्री आपके सामने आ गए, जापान को छोड़कर शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया भाई। अब इनसे एक एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं हम। अगर ये पूछ ले डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य की बात है भाई। 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया भाई। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आया तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता भाई, भारत को हरा कर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने भाई। जापान में अभी हाल फिलहाल में आइशेन नामक एक समुद्री तूफान आया हुआ भाई। जापान में आइशेन नामक एक समुद्री तूफान आया हुआ है। तो याद कर लेना, क्वाड संगठन कितने देशों का समूह है? चार देशों का। पहली बार चर्चा में कब आया? 2007 में। इसके ऊपर विस्तार रूप से कार्य कब होने लगा? 2011 में। और ये वर्तमान में 2020 में पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका भी क्वाड भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडरों के साथ सौनिधि स्वांद का आयोजन किया? प्रधानमंत्री ने किस राज्य के स्ट्रीट वेंडरों के साथ सौनिधि स्वांद का आयोजन किया भाई? देखो, कोरोना के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर थे, जो फुटपाथ और गलियों के किनारे पर जो रेहड़ी वगैरह लगाते थे, उनके लिए एक सौनिधि नाम की एक योजना शुरू करी थी भाई प्रधानमंत्री ने जून 2020 में भाई। तो उसी के तहत पहली बार प्रधानमंत्रियों ने सौनिधि स्वांद, जिनको लोन मिला उनके साथ बातचीत की थी। जैसे मन की बात कार्यक्रम होता है वैसे उन्होंने बातचीत की थी भाई, पूछा था आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो किस राज्य के स्ट्रीट वेंडरों को चुना गया था भाई? मध्य प्रदेश। किस राज्य के? मध्य प्रदेश है, जो सौनिधि योजना को लागू करने में पूरे भारत में पहले नंबर पे रहा था भाई। सौनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था भाई। 5,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था। इस योजना को लागू करने में पहले नंबर पे कौन रहा? मध्य प्रदेश। इसी के तहत स्ट्रीट वेंडरों को चुना गया था भाई उनके साथ बातचीत करने के लिए भाई। और इस योजना के तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। कितने रुपए का भाई? 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा भाई। मध्य प्रदेश का जिक्र आया है, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं भाई। राज्यपाल कौन थे यहाँ के? लालजी टंडन थे, जिनका देहांत हो गया। कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? वहां पे कार्य देख रहे हैं भाई आनंदीबेन पटेल भाई। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा योजना लागू करता है। तो यहाँ पे करंट जीके से संबंधित कौन कौन सी जो योजना है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये पूछ लें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है भाई? इंतजार आपका, इंतजार आपका एक गाना आया था ना भाई, आई आपका इंतजार था। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू की? इंतजार आपका। और कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना को खत्म करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी थी? किल कोरोना, किल कोरोना भाई, किल कोरोना भाई। और जो प्रवासी श्रमिक थे उनकी सहायता करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी थी? चरण पादुका, चरण पादुका भाई। उसके बाद पूछना अगर भारत का पहला, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक है, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहाँ पे खोला गया है? जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहीं पर भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है भाई। अगर ये पूछ लें मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? गोविंदा। वर्तमान में कौन है? गोविंदा। अगर ये पूछ लें राष्ट्रीय, राष्ट्रीय फिल्म अनुकूल, अनुकूल राज्य में पहले नंबर पे कौन सा स्थान है? पहले नंबर पे कौन सा स्थान है भाई? मध्य प्रदेश। फिल्म अनुकूल राज्य मतलब फिल्म बनाने के लिए शूटिंग करने के लिए सबसे सूटेबल राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय फिल्म अनुकूल राज्य का दर्जा वो भी किसे प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को भाई। और भारत का पहला, और भारत का पहला विश्व का दूसरा पैदल सेना संग्रहालय, भारत का पहला विश्व का दूसरा पैदल सेना संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है भाई? इंदौर में। कहाँ पे खोला गया है? इंदौर में। और यहाँ पर एक नया वन्य जीव अभयारण्य वो स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है रत्तापानी, रत्तापानी जो वन्य जीव अभयारण्य वो भी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में भाई। एफ आई आर आपके द्वार योजना भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। एफ आई आर आपके द्वार योजना भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में भाई। अगला क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है भाई केंद्र सरकार ने या भारतीय रेलवे ने, रेल मंत्रालय ने उबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? रेल मंत्रालय ने उबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा भाई श्री सिद्धरूदा, श्री सिद्धरूदा स्वामी भाई, श्री सिद्धरूदा स्वामी है वो इसका नया नाम होगा भाई। उबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन भाई। और ये रेलवे स्टेशन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर भारत का और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो स्थापित किया जा रहा है भाई, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। विश्व और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर होगा? उबली में। कितनी लंबाई होगी? 1400 मीटर भाई। और ये उबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। इसका नया नाम क्या है? श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन भाई। उबली और उगली में फर्क है भाई, उगली कोलकाता में, उगली कहां पे है? कर्नाटक में। इससे पहले भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ स्थानों के नाम चेंज किए गए थे भाई, किस किस का जो नाम है वो चेंज किया गया था एक बार उनको भी हमें देख लेते हैं भाई। अगर ये पूछ लें हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? भारत का जो पहला, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन था हबीबगंज, उसका नाम बदलकर क्या किया गया अभी? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। और ये भोपाल में स्थित है भाई, हबीबगंज मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर क्या किया गया? वाजपेयी रेलवे स्टेशन भाई। और इसको बंसल ग्रुप के द्वारा खरीदा गया, बंसल ग्रुप के द्वारा इसको लिया गया भाई। अगला है चेन्नई रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर क्या किया गया? एम जी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन भाई। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन भाई। उसके बाद है इलाहाबाद, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया भाई? प्रयागराज रेलवे स्टेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन भाई। उसके बाद है मुगलसराय, जिसके ऊपर काफी सारा विवाद हुआ था, मुगलसराय रेलवे स्टेशन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम है दीनदयाल
दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन भाई, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला है ट्रेन 18, ट्रेन 18 का नया नाम, ट्रेन 18 का नया नाम भाई वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन वो किसका नाम है, ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत ट्रेन भाई। उसके बाद है मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल का नया नाम, मुंबई सेंट्रल का नया नाम है जगन्नाथ, जगन्नाथ शंकर सेठ रेलवे स्टेशन, जगन्नाथ शंकर सेठ रेलवे स्टेशन भाई। एक मेट्रो स्टेशन याद कर लेना आप, प्रगति मैदान, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम है भाई सुप्रीम कोर्ट मेट्रो, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भाई। अगला भाई आरपीएफ, आरपीएफ का नया नाम है आरपीएफएस, राष्ट्रीय पुलिस सॉरी रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन सेवा भाई। आरपीएफ का नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा भाई। इसका नाम होता था रेलवे सुरक्षा बल, अब इसका नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा भाई। तो ये थे भाई हमारी 12 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जिक्के भाई। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।